गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास बेटा, आपका चैप्टर चल रहा है फोर्थ, इसमें 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब है 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे इंटीजर्स होते क्या है। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी को पता है। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, सॉरी जो वन से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर भी, ये हम कर चुके पहले। ठीक है, होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं इसको आप कह सकते हो जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ये भी आप पढ़ चुके हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो इंटीजर्स का आता है। ठीक है, देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो आपने पॉजिटिव भी लेने हैं और नेगेटिव भी, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद जीरो। आपने जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे पास थे 1, 2, 3, 4, ये सारे तो लेने ही लेने हैं, प्लस इनका नेगेटिव भी लेना है। इनके साथ साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ साथ आपने जीरो को भी लेना है, तो ये सारे नंबर्स जो होंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, जीरो के बाद वाले नंबर आपने पढ़ रखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये होल नंबर थे। ठीक है, 1, 2, 3 आपके नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 थे, इनका नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बीस में जीरो लिखा है तो जीरो भी लेनी है आपने। ठीक है, जीरो के राइट में पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव है नंबर, ध्यान रखना, जीरो के राइट में पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव है। जीरो ना तो पॉजिटिव में आएगा और ना ही नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखना, जीरो को ना तो पॉजिटिव में काउंट करना है ना ही नेगेटिव, इसीलिए जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। ठीक है, आप किसी भी नंबर को ऑर्डरिंग कैसे करते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, यदि हम राइट की तरफ नंबर की तरफ बढ़ते हैं, इसी नंबर के राइट की तरफ बढ़ते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, यदि हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो छोटा होता जाता है। जैसे -1 से मैं -2 पर गई तो मैं लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरा छोटा नंबर हो जाएगा। यदि -1 से मैं 0 की तरफ जा रही तो ये मेरा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। 4.2 एक्सरसाइज में देखते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये जो वर्डिंग दी हुई है इस वर्डिंग को आपने अपोजिट करना है, यहाँ पर वर्डिंग को अपोजिट करना है। जैसे यहाँ पर गेनिंग दिया हुआ है तो गेनिंग का अपोजिट क्या होता है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट करना, ठीक है, और गेनिंग का अपोजिट हो गया लॉस, तो यहाँ पर आईएनजी भी लगाया तो लॉस के साथ आपने आईएनजी भी लगाना है तो लॉसिंग हो गया, लॉसिंग। ठीक है, लॉसिंग अ वेट बाय 4 kg, यहाँ पर उसने बोला 5 किलोमीटर अबव सी लेवल, तो अबव का अपोजिट क्या होगा, बिलो, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 किलोमीटर बिलो सी लेवल। अ गेन ऑफ 100 rupees, गेन का अपोजिट हो गया लॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस। 7 degrees बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो का अपोजिट मैंने अभी यहाँ पर बताया था, अबव का अपोजिट बिलो, तो बिलो का अपोजिट अबव। मूविंग अ 8 steps फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, अब हमें इसका अपोजिट लिखना है तो बैकवर्ड, मूविंग 8 steps बैकवर्ड। 23 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिया है तो अपोजिट में -23 हो जाएगा, यहाँ -48 दे रखा है +48 हो जाएगा, ये 15 प्लस में है माइनस में हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखो, गेनिंग अ वेट बाय 4 kg, गेनिंग की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, लॉसिंग, बाकी सारा सेम। ठीक है, 23 मेरा पॉजिटिव में था, मैंने लिख दिया नेगेटिव में, बाकी सारे आपको खुद करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर सारे खुद करोगे आप। राइट इंटीजर्स, अब आपने इंटीजर्स में लिखना है टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है आपको इंटीजर के रूप में बतानी है कि इंटीजर्स में कैसे लिखेंगे, बस आपने नंबर जो दिए हैं वही लिखने हैं, जैसे 500, 1000, 2, 8, 4, 15 जो भी दिख रहा है नंबर वही लिखने हैं, बस प्लस या माइनस। यदि चीज़ आपकी घट रही है, नीचे जा रही है, लॉस हो रहा है तो आप नेगेटिव लगाओगे, यदि चीज़ आपकी बढ़ रही है, आप डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, अप हो रहे हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपने प्लस लगाना है। ठीक है, बस इतना फर्क है। ओके, जैसे लिखा है ए गेन ऑफ ₹500, गेन का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब बढ़ गया, तो बढ़ गया तो प्लस लगाकर 500 लगा दोगे। ठीक है, ए लॉस ऑफ 800, लॉस हो गया, घट गई है, तो -800 हो जाएगा। 15 floors अप का मतलब बढ़ गए हैं, बढ़ गए तो मतलब +15। ठीक है, बाकी भी देख लो एक बार बुक के अंदर ही।
फोर डिग्री बिलो, बिलो का मतलब नीचे, नीचे आ रहे हो तो माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। 300 मीटर अबव, अबव का मतलब ऊपर जा रहे हो तो प्लस 300 हो जाएगा। 2 किलोमीटर बिलो, बिलो मतलब नीचे, माइनस 2 हो जाएगा। 15 फ्लोर अप, अप का मतलब प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। 35 डिग्री अबव, अबव का मतलब ऊपर, ऊपर जा रहे हो तो प्लस 35 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने करा दिया। विड्रोल का मतलब निकालना, निकालते कब हैं, जब हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ साइन रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स के साथ। इंटीजर्स का मतलब हो गया प्लस में या माइनस में, आपको बताना है कि नंबर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, क्लियर। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर बनाना है। नंबर लाइन मैंने आपको बताया था प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है, तो मैं इन सारे नंबर्स को एक ही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये आपने पेंसिल से नंबर लाइन बनानी है, इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। 0 के राइट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक और माइनस में -10 तक, क्योंकि आप यदि पॉजिटिव नंबर देखो इनके अंदर तो 0 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, तो सबसे बड़ा हो गया 8, तो मैंने 8 तक लाइन बना दी है। नेगेटिव की बात करो -3, -7, -10, -10 सबसे छोटा है तो मैंने -10 तक बना दिया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10, 9, -10। यहाँ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ लेफ्ट की तरफ, वो छोटे होते जा रहे नंबर। तो -1 और -10 को यदि मैं कंपेयर करूँ तो -1 बड़ा होगा, -1 से इधर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा नंबर, ठीक है, क्लियर। जो भी नंबर आपके इसने पूछे हैं उनके ऊपर मैंने ए बी सी डी लिख दिया कि ये ए का आंसर यहाँ पर आएगा, बी डी का यहाँ पर आया, बी का फिर ई का फिर सी का, सर्कल डाल दिया, थोड़ा बिंदी डॉक करके सर्कल डाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच नंबर इज लार्जर, लार्जर का मतलब होता है बड़ा बताना है, इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन है। हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव से जीरो हमेशा बड़ी होती है और पॉजिटिव भी बड़े होते हैं। नेगेटिव और यदि जीरो की कंपेयर करें तो जीरो हमेशा बड़ी होगी नेगेटिव से, ऑल नेगेटिव से जीरो हमेशा बड़ी होती है। अब पॉजिटिव नंबर भी नेगेटिव से बड़े होते हैं क्योंकि राइट में होते हैं नेगेटिव के। -12 में 12 बड़ा हो गया, 0 15 में, अब जीरो के राइट में, राइट में जब भी नंबर आएगा तो वो बड़ा होगा हमेशा, तो 50 राइट में आता है तो बड़ा हो गया, ठीक है। -31 और 31 में पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव से, तो 31 बड़ा हो गया। 286 और माइनस में तो 286 बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में स्मॉलर है, छोटा बताना है, तो जो इसमें छोटा था वो वैसे इसमें छोटा आ जाएगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखो इन दोनों नंबर में बड़ा कौन था, जो फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ का ए पार्ट है। -3 और 0 में 0 बड़ा था, तो यहाँ पे लिखोगे 0 इज लार्जर देन -3। 4 और -8 की बात करूँ तो 4 लार्जर है, 0 और 50 की बात करूँ तो 50 इज लार्जर देन 0, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम स्मॉलर की बात करते हैं तो -83 और 122, नेगेटिव हमेशा छोटा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा छोटा होता है, तो -83 इज स्मॉलर देन 122। अब दो नेगेटिव आ गए तो कौन छोटा होगा। नेगेटिव में हमेशा ध्यान रखना जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो छोटा होगा, जो नंबर आपको दिखने में बड़ा है वो छोटा होगा। तो दोनों में दिखने में ये 346 है, ये 479 है, दिखने में ये बड़ा है ना आपके पास, बट माइनस की वजह से ये छोटा हो गया, ठीक है। माइनस की वजह से छोटा हो गया, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है, क्लियर। राइट द इंटीजर्स बिटवीन, बीच के इंटीजर्स बताने हैं, इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स हमारे आते हैं, कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं वो बताने हैं। -6 से 0 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास, यदि मैं बात करूं, देखो यहाँ पर -6 है और 0 है इनके बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइन लिखोगे पहले आप, इंटीजर्स बिटवीन किसका पूछ रहा है, -6 और 0 इज के बाद आप आंसर लिखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है -3 और 4 के बीच में, देखो -3 से राइट की तरफ जाना है, ये नंबर लाइन बनाती हूँ। यदि यहाँ पर मैं -3 बना दूँ, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये बीच के नंबर बताने हैं इनके बीच के, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसी तरीके से -7 और -5, यदि मैं इधर की तरफ जाती हूँ तो -4 आएगा, फिर -5, -6, -7, इनके बीच के बताने हैं, इनके बीच में क्या नंबर है, केवल 6, -6, ठीक है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी कर लेना।
यदि मैं बात करूँ माइनस टू और फाइव के बीच में, माइनस वन, फिर ज़ीरो, वन टू थ्री फोर, ठीक है। माइनस सिक्स और सेवन की बात करूँ तो माइनस सिक्स से राइट की तरफ जाओ सेवन की तरफ, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। इस तरीके से बिटवीन नंबर्स जो भी क्वेश्चंस मैं छोड़ दूँ बेटा, वो आपको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं। सारे क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में नहीं करने, केवल वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने करे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट। अपोजिट का मतलब है यदि प्लस में नंबर है तो माइनस में लिखोगे, माइनस में नंबर है प्लस में लिखोगे। जैसे माइनस थ्री का अपोजिट पूछूंगी तो आंसर आएगा थ्री, माइनस ट्वेंटी सेवन का ट्वेंटी सेवन, फोर ट्वेंटी का माइनस फोर ट्वेंटी, जीरो का जीरो ही रहेगा क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो अपोजिट क्या होगा, जीरो ही होगा। 971 का माइनस 971, माइनस 347 का प्लस 347, ठीक है। लाइक दिस, देखो अपोजिट लिखना है माइनस थ्री का तो लिखेंगे अपोजिट ऑफ माइनस थ्री इज थ्री, अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो, अपोजिट ऑफ 971 इज माइनस 971, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो जब आपने इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना है तो हमें पता है सबसे पहले जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो आते हैं, फिर जीरो, फिर सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। पहले हमेशा नेगेटिव, फिर जीरो आती है, फिर पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब नेगेटिव, अब आप यह देखो, सबसे पहले नेगेटिव नंबर लिखना है, फिर आपने जीरो लिखना है, फिर पॉजिटिव नंबर लिखना है, ठीक है। अब नेगेटिव में मेरे पास सपोज करो मेरे पास माइनस फोर, माइनस सेवन और माइनस फोर है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, केवल तीन ही नंबर है मेरे पास, माइनस फाइव, माइनस सेवन, माइनस फोर, ठीक है। अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो अब आपको माइनस में चेक करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो नंबर दिखने में माइनस में बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा, तो सेवन दिख रहा है यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा, माइनस लगने की वजह से सबसे छोटा हो गया। मुझे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में क्या चाहिए, सबसे छोटा, माइनस फाइव आ गया, कट गया नंबर। अब माइनस फाइव और माइनस फोर में छोटा, जो दिख रहा बड़ा है वो छोटा होगा, तो माइनस फाइव मुझे बड़ा दिख रहा है तो छोटा होगा, माइनस फाइव, फिर देन, ठीक है। इस तरीके से आपने नेगेटिव नंबर लिख लिए, फिर यदि आपके पास जीरो है तो वो लिखोगे, और उसके बाद पॉजिटिव नंबर, तो आपको पता ही है छोटे से बड़ा कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस एट, जीरो, फोर, माइनस फिफ्टीन, फोर्टी सिक्स, माइनस नाइन्टी सेवन, थर्टी टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब असेंडिंग ऑर्डर में मुझे क्या लिखना है, छोटे से बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा लिखकर उससे बड़े की तरफ जाना है। सबसे छोटे नंबर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर, ये छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, ये तीनों नंबर लिखने हैं। अब इन तीनों नंबर्स में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर, जो दिखने में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो 97 दिखने में सबसे बड़ा है, सबसे पहले आ गया, सबसे छोटा हो गया, उसके बाद 15 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, ये तीनों नंबर आ गए, छोटे नंबर हो गए सारे। अब इसके बाद यदि जीरो है आपके पास तो जीरो लिखोगे, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। अब आपके पास नंबर बच गए 4, 46, 32, ये पॉजिटिव नंबर है, छोटे से बड़े ही लिखने हैं। सबसे छोटा नंबर 4, उससे बड़ा 32, उससे बड़ा 46, ठीक है। इसी तरीके से सेम आपने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो बड़े नंबर कौन से होते हैं, सबसे बड़े होते हैं पॉजिटिव नंबर, फिर जीरो, फिर नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर ढूंढो कौन कौन से इसके अंदर, तो पॉजिटिव नंबर तो है ही नहीं कोई भी, तो ये तो कट ही गया। उसके बाद जीरो, जीरो है, यस जीरो हो गई। अब सारे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर में हमें सबसे पहले लिखना कौन सा बड़ा, जो सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद उससे बड़ा कौन दिख रहा है, 14, ये उससे बड़ा हो गया। फिर उससे छोटा कौन दिख रहा है, 42, फिर 52, फिर 69 और 96। नेगेटिव नंबर में हमेशा ध्यान रखना जो चीज़ सबसे छोटी दिख रही है, माइनस में नंबर में जो चीज़ सबसे छोटा नंबर दिख रहा है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो 11 देखो इन सभी नंबर में दिख रहा है ना, सबसे छोटा दिख रहा है, बट माइनस लगने की वजह से सबसे बड़ा हो गया।
क्योंकि माइनस के जो नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो लेफ्ट की तरफ छोटे होते जाते हैं और पॉजिटिव इंटीजर राइट की तरफ बड़े होते जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेवंथ क्वेश्चन है, राइट फाइव इंटीजर ग्रेटर देन माइनस फाइव। फाइव इंटीजर ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब राइट की तरफ जो नंबर होंगे वो लिखने हैं आपने, राइट की तरफ जाना है आपने नंबर लाइन पर, राइट की तरफ। और यदि लेस देन बोला है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। इसने बोला है फाइव इंटीजर्स लिखने हैं ग्रेटर देन माइनस फाइव। यदि मैं नंबर लाइन की बात करूँ तो माइनस फाइव के ग्रेटर में जाना है तो राइट की तरफ जाना पड़ेगा। माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, तो ये पांच इंटीजर हो गए हमारे पास। ठीक है, माइनस ट्वेंटी सेवन से लेस जाना है तो लेस जाना है ये माइनस ट्वेंटी सेवन, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे लेस में। माइनस ट्वेंटी एट, माइनस ट्वेंटी नाइन, माइनस थर्टी, माइनस थर्टी वन, माइनस थर्टी टू, तो ये पांच नंबर हो गए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो दो डंडे खड़े हैं ना साइडों में दोनों तरफ आगे भी और पीछे भी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अंदर कोई भी इंटीजर हो आपका, अंदर कोई भी इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको जब ये एब्सोल्यूट हटाओगे तो नंबर हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। अंदर इस बॉक्स के अंदर, इन दोनों जो डंडे खड़े हुए हैं, एब्सोल्यूट जो खड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई भी इंटीजर हो, आपको जब बाहर लिखना है तो उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं लिखना, प्लस का साइन होना चाहिए। देखते हैं सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेवन। इसका आंसर 46। जीरो तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव है तो जीरो ही। 231 का 231 ही आएगा। यदि अपोजिट पूछता तो माइनस 231 होता, बट एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में हमेशा आंसर पॉजिटिव होता है चाहे अंदर कुछ भी हो। अब सेवन तो एज इट इज इसके पास है ही नहीं एब्सोल्यूट, ये प्लस भी एज इट इज, इसका आंसर थ्री आ जाएगा। सेवन और थ्री टेन। अब यहाँ पर ये वाला जो साइन है ये एब्सोल्यूट के बाहर है तो ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि इसके ऊपर एब्सोल्यूट नहीं है, बट इसके ऊपर एब्सोल्यूट है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टू। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस टू। दैट इज क्लियर। लाइक दिस, सेवन इसका 231, इसका जीरो, यहाँ पर सेवन और थ्री टेन, माइनस टू एब्सोल्यूट, माइनस टू। ठीक है, ट्रू फॉल्स आपको बुक में ही करने हैं। ठीक है, माइनस सेवन इज ग्रेटर माइनस सिक्स। मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस में जो नंबर दिख रहा है छोटा वो बड़ा होगा, तो सिक्स आपको छोटा दिख रहा है तो ये बड़ा होगा, तो इसने कहा माइनस सेवन बड़ा है, नहीं ये गलत हो गया। जीरो इज लार्जेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर है, नहीं सबसे बड़े इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जब नंबर जाएंगे वो पॉजिटिव होते हैं। नो, माइनस ट्वेल्व इज लेस, माइनस ट्वेल्व कम है माइनस टेन से, यस, क्योंकि आपको दिख रहा है ना बड़ा है वो छोटा होगा। जीरो इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, जीरो नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, तो नो। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर तो जीरो वन टू थ्री फोर, सॉरी वन टू थ्री फोर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर हमेशा नेचुरल नंबर से छोटे होते हैं। ट्रू। सक्सेसर ऑफ माइनस 183, माइनस 183 का सक्सेसर निकालो। हम क्या करते हैं? प्लस वन करते हैं। इन दोनों के साइन कैसे हो गए? अपोजिट। अपोजिट साइन हमेशा घटते हैं, अपोजिट साइन हमेशा घटते हैं, तो 183 में से वन घटाओ 182, इसका आंसर आ गया 182। बट साइन हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं, मतलब जिसके पास बड़ा नंबर जो दिख रहा है उसके पास जो साइन है, हमारा आंसर आएगा माइनस 182। इसने बोला है माइनस 184, गलत। अब अगला है माइनस 346 का प्रीडिसर। प्रीडिसर के लिए क्या करते हो? माइनस वन। ठीक है, अब दोनों के पास साइन कैसे हो गए? दोनों के पास साइन कैसे हो गए? सेम साइन। सेम यदि दोनों के पास साइन है तो उन दोनों नंबर को आप जोड़ के लिखोगे, आपका आंसर आ गया 347। आंसर में हमेशा साइन बड़े वाले का लगाना है, बड़े वाला नंबर ये है तो माइनस का। ठीक है, 347 गलत। अपोजिट ऑफ जीरो, जीरो का अपोजिट तो जीरो ही आएगा। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सिर्फ वही आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, अदर क्वेश्चन सारे आपने प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखने हैं। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल करनी है। ठीक है, आपने काम 12 बजे से पहले पहले भेजना है और आज आपका टेस्ट भी है, आपने पहले टेस्ट करना है, बाद में आपने ये काम करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।